आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचुरल स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। साथियों, आज आंवले की बात करेंगे। ना केवल डिवाइन है बल्कि ये हाईली मेडिसिनल प्लांट भी है और नक्षत्र वाटिका का एक मुख्य प्लांट भी है। साथियों, आप आंवले की इन्फ्लोरेसेंस देख पा रहे होंगे, क्रीमिश कलर के इसके फ्लावर्स हैं और इन्हीं फ्लावर्स में बाद में फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। कंपाउंड इसके लीव्स हैं और इंडियन गूसबेरी एम्बेलिका ऑफिशिनेलिस U4BC का ये फैमिली का ही मेंबर है। इस प्लांट की सभी प्लांट पार्ट औषधीय गुणों के लिए हम उपयोग में करते हैं। साथियों, अगर लुकोरिया की समस्या हो तो इसकी छाल लेकर बराबर मात्रा में उस छाल में आप बबूल की छाल भी मिला लीजिए और दोनों को मिलाकर डिकॉक्शन बनाकर शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। 3 ग्राम इसकी छाल ले लीजिए, 3 ग्राम ही बबूल की छाल लेकर डिकॉक्शन बनाकर दिन में 2 से 3 बार पीजिए। ल्यूकोरिया की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है, शरीर के मिनरल्स की कमी को पूरा करता है और इनफर्टिलिटी की समस्या को भी दूर करता है। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करते हुए यह फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। साथियों, अगर एजिंग की समस्या हो तो एंटी एजिंग एक्टिविटी के लिए आप बुढ़ापे को दूर करने के लिए आंवले के फल का चूर्ण लेकर बराबर मात्रा में तिल मिलाकर और उस तिल और आंवले के चूर्ण को मिलाकर आप शहद के साथ सेवन कीजिए और बाद में 1 गिलास दूध पी लीजिए। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आपका बॉडी का मास इंडेक्स बढ़ जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आप हष्ट पुष्ट महसूस करेंगे। साथियों, अगर एनीमिया की समस्या है, पांडु रोग जिसको कहते हैं, उसके निराकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं, 20 मिलीलीटर आंवले का रस निकालकर 200 मिलीलीटर गन्ने का जूस मिलाकर आप सेवन कीजिए। शरीर की हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है और एनीमिया की जो बीमारी होती है उसको पूरी तरह से ठीक करता है। पित्त जनित अगर रोग हैं या फिर शूल हो रहा है तो उसके निराकरण के लिए आप आंवले के जूस में बराबर मात्रा में एलोए वेरा का जूस मिलाकर सेवन कीजिए, पित्त जनित रोगों को दूर करता है। आजकल आंवले का पाउडर और आंवले की कैंडी बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलती है। मित्रों, आंवले के फल के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स, टैनिंस और पैक्टिक एसिड पाया जाता है जो शरीर को इम्यूनिटी देने के साथ साथ एंटी एजिंग का भी कार्य करता है, बुढ़ापे को दूर करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लंग्स में जमे हुए पुराने कफ को दूर करता है और आंवले जो है वो त्रिफला का मुख्य घटक है और त्रिफला आयुर्वेद की महान रसायन है। इस प्रकार से आप आंवले को यूज़ कर सकते हैं। आंवला कैंडी हम लोग सेवन करते हैं जो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करती है, पेट के डाइजेशन को सुधारती है, अल्सर की समस्या हो तो उसको भी दूर करती है, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में अपना कार्य करती है। यूँ तो आंवले को हम स्किन केयर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हेयर कंडीशनर के रूप में अप्लाई करते हैं, हेयर डाई में आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए आंवले के चूर्ण को हम जब आयरन के पात्र में, लोहे के पात्र में रखते हैं और उसमें नींबू का रस मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि ब्लैक कलर की डाई तैयार हो जाती है। उसमें कई घटक रीठा सी का काई भी हमें मिलाना पड़ता है तो ये हेयर कंडीशनर का भी कार्य करता है। मित्रों, बाजीकरण के लिए भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आंवले के चूर्ण आप गाय के दूध के साथ सेवन कीजिए, धीरे धीरे शरीर के जननांगों को पुष्ट करते हुए यह अच्छे बाजीकरण का कार्य करता है, एफ्रोडाइसिक का कार्य करता है, यह पोषण देने का कार्य करते हुए हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मित्रों, पेट की गर्मी को शांत करने के लिए आप आंवले के मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी फिर एक रखनी पड़ेगी कि अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या है तो आपको खाली पेट आंवले का जूस नहीं पीना चाहिए, और अगर आप आंवले का जूस पीना चाहते हैं तो उसके अंदर बराबर मात्रा में या तो आप एलोए वेरा का जूस मिला लीजिए या फिर आप उसमें ग्लोए की ताज़ा रस निकालकर उसमें पीजिए तो इसकी प्रकृति आपको नुकसान नहीं करेगी और बैलेंस हो जाती है, गुणवत्ता इसकी बढ़ जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स हैं और आंवला अगर खाना चाहते हैं अपने लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तो आप आंवले को लेकर, आंवले के मुरब्बे को लेकर उसमें पानी डालकर अच्छे से धो लें और एक्स्ट्रा शुगर निकल जाती है और ये आपके शुगर लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी और आपके लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करके आपके लीवर को मजबूती देगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ के कंट्रोल में
आंवले का मुरब्बा भी अपना विशेष लाभ देता है। आंवले का जो रस होता है उसमें आप अगर शहद के साथ सेवन करते हैं तो यह है लुम्बेगो की समस्या, जिसको कटी सूल कहते हैं, उसको दूर करता है, शरीर के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है और आँखों की जो बीमारियाँ हैं उनसे भी हमें बचाता है। कैटारेक्ट की समस्या हो, कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो, उन सबको ये दूर करता है। विज़न को हमारा अच्छा रखता है और हेल्दी लस्ट्रस हेयर्स को ये देने का कार्य करता है। इसको हमें यूज़ करना चाहिए और अपने शरीर की प्रकृति को भी हमें ध्यान में रखकर इसको यूज़ करना चाहिए और इसके सूटेबल कम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग इसके और अच्छे योग क्या हो सकते हैं, उसकी जानकारी भी हमें समय समय पर इकट्ठा करती रहनी चाहिए। अपनी हेल्थ को आंवले के सेवन से संरक्षित कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी हर रोज़ मिलती रहे। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।